दोस्तों इंस्टाग्राम का यूज़र नेम कैसे चेंज करें, यूज़र नेम क्या होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और यूज़र नेम चेंज करना इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं होता ये भी बताऊंगा, और यूज़र नेम चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो चेंज करना कैसे ये ज़रूर देख लेना, और यूज़र नेम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आप लोग के लिए अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। यूज़र नेम एक आईडी होती है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, ये मैंने ओपन कर दिया। नीचे आते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, और देखो यहाँ पर ये जो है भाई manishkumar.yt, ये एक यूज़र नेम है, ध्यान से ये यूज़र नेम होता है। अगर आपकी आईडी का पासवर्ड भूल जाता है या आईडी आपकी लॉग आउट हो जाती है ऑटोमेटिकली, कुछ भी हो जाता है, तो एक यही यूज़र नेम होता है जिसके मदद से आप अपने इंस्टाग्राम की आईडी को रिकवर कर सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, डिलीट आईडी को वापस करा सकते हैं, या पासवर्ड चेंज करने के लिए भी आपकी आईडी की ज़रूरत पड़ती है अगर आपका फ़ोन से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग आउट हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों इसको हम चेंज कैसे करेंगे, अगर आपको लगता है कि हमें यूज़र नेम थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं है, या उलपटांग लिखा है, अच्छा एक यूनिक यूज़र नेम बनाना है, तो कैसे करेंगे चेंज भाई? सिंपल, आपको एडिट प्रोफाइल में क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पर देखो लिखा है यूज़र नेम, ये ऊपर नाम होता है ध्यान से, नीचे लिखा है यूज़र नेम। यूज़र नेम हर चीज़ उपलब्ध नहीं होता है, जो यूज़र नेम एक बार बन जाता है उसे दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे manishkumar.yt यूज़र नेम जो मेरा है ये कोई भी नहीं बना सकता दूसरा कोई, ठीक है ना। फिलहाल मैं अभी चेंज कर दूंगा, तो भले बाद में कोई बना ले कुछ दिन बाद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, manishkumar official लिखेंगे, manishkumar हमने official लिख दिया, तो यहाँ पर देखो लिख क्या रहा है, यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, यानी ये यूज़र नेम किसी ने पहले से बना के रखा है, इस नाम की आईडी पहले से चल रही है इंस्टाग्राम पर, इसलिए यूज़र नेम नहीं ले रहा। तो करेंगे क्या हम यहाँ पर फिर और सोचेंगे कि हम क्या लें कि यहाँ पर उपलब्ध हो जाए यूज़र नेम, तो हम यहाँ पर YT कर देते हैं YT। ये देखो ये भाई यूज़र नेम ले लिया, यहाँ पर ये जो यस का निशान है ये भी हाईलाइट हो चुका है। अब हम सिंपल इसको यस में क्लिक करेंगे इस तरीके से, और क्लिक करने के बाद देखो यूज़र नेम हमारा बदल चुका है, ये देखो। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम बैक करेंगे एक बार, और देखो यूज़र नेम अब पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। फ़िलहाल दोस्तों यूज़र नेम इस तरीके से ही चेंज किया जाता है, बस एक बात का ध्यान रखना कि एक बार चेंज करने के बाद लगभग 14 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा आपको अगला यूज़र नेम चेंज करने के लिए, लेकिन ना ही करें तो बेहतर है। यूज़र नेम एक आईडी होती है जिससे आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। वीडियो कैसे लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए और सुंदर वीडियो आगे लाऊंगा मनीष एडवाइस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।